हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज 11.1 सिमिलरिटी, समरूपता, यानी कि एक जैसी दिखने वाली चीज है। तो जो 11.1 है उसमें केवल और केवल फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स है। तो मैं आपको बारिश आ रही थी इसलिए इधर ही उतार लिए सबको, जिससे आपको क्वेश्चन भी नहीं देखने पड़े और आसानी से काम यही इसी वीडियो में हो जाए। जैसे ऑल द सर्किल्स आर, तो सर्किल्स जितने भी सर्किल्स है वो क्या है, दिखने में एक जैसे होते हैं तो उनको बोलते हैं सिमिलर। क्या बोलेंगे? सिमिलर। इसी तरीके से ऑल द स्क्वायर्स आर सिमिलर, क्योंकि स्क्वायर भी एक जैसे होते हैं। उसके बाद है ऑल द इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इसमें दिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। अगर ऑल द ट्रायंगल्स होता तो यहां पे क्या, कुछ ट्रायंगल्स क्या होते हैं, अगर एक ट्रायंगल ऐसा और एक ट्रायंगल ऐसा होते हैं तो ये क्या सिमिलर नहीं होते, क्योंकि इसमें साइड्स आर इक्वल नहीं है। अगर इक्वल साइड्स है तो वो क्या होंगे, सिमिलर। इसी तरीके से दे रखा है द पॉलीगन हैविंग सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, यानी कि अगर पॉलीगन में किसी पॉलीगन में साइड्स क्या हो, सिमिलर हो, एक जैसी हो, तो वो कब सिमिलर होगा, तो उसकी कंडीशन क्या होगी, जो अपना फोर्थ नंबर पॉइंट है वो है कि सिमिलर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल एंड कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होने चाहिए, तभी वो क्या होगा, सिमिलर होगा। अब स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, टू कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर सिमिलर, यानी कि जो सर्वांग सम होते हैं वो क्या सिमिलर भी होंगे, बिल्कुल होंगे, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। लेकिन सेकेंड है, टू सिमिलर फिगर्स, यानी जो समरूप है दिखने में एक जैसे, वो क्या सर्वांग सम होते हैं, नो, क्योंकि सर्वांगसम वो होते हैं जो ओवरलेप कर लेते हैं। जैसे ये दोनों पेन क्या है, एक दूसरे को ओवरलेप कर रहे हैं, तो ये होते हैं सर्वांगसम। लेकिन ये दोनों सर्वांगसम नहीं है, तो ये हो गया एग्जांपल। टू पॉलीगन्स हैविंग द सेम रेशियो ऑफ देयर कोरेस्पॉन्डिंग साइड, अगर साइड्स आर इक्वल है तो वो क्या सिमिलर होगा, नहीं होगा, क्योंकि एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। तो फोर वाला ट्रू, इसकी अपन ने बात कर ली थी पहले। ऐसे ही फाइव वाला, अगर फोर, थ्री और फाइव दोनों कंडीशन एक साथ हो, जैसे फोर में दी हुई है, तो ही वो ट्रू होगा, अदरवाइज ही फॉल्स होगा। इसके बाद दे रखा है गिव एनी टू एग्जांपल्स और सिमिलर फिगर विद देयर डायग्राम्स, यानी कि टू सिमिलर फिगर्स के अपन को डायग्राम और नाम देने हैं। तो जैसे एक तो अपन स्क्वायर का ले लिया यहाँ पे, एक इसी तरीके से ट्रायंगल्स का लेंगे। कौन सा ट्रायंगल्स? इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, जिसके ऑल साइड्स आर इक्वल हो, ये अपने को टू एग्जांपल्स ले लिए। इसी के साथ अपनी 11.1 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। इजी लगी होगी। Thank you for watching.